हेलो गाइस, तो आज मेरे हस्बैंड जी भीग कर आए और उनकी फरमाइश थी कि चाय और कॉर्न चाट बनाओ। तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने पानी में हल्दी और नमक डाला और अच्छे से ताकि ये बॉयल हो जाए, और मैंने भुट्टे के दाने को निकाल लिया और फिर मैंने उसको इस पानी में डाल दिया बॉयल करने के लिए। थोड़ा पानी खौल जाए तभी आप भुट्टे को डालें, और कुछ देर, मुश्किल से 2-3 मिनट बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं, अच्छे से बॉयल हो जाए ताकि खाने में सॉफ्ट आए। फिर मैंने 2 प्याज ली हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्याज, टमाटर, मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मुझे प्याज खाना ज़्यादा पसंद है चाट में, टमाटर कम, इसलिए मैंने प्याज 2 लिया। और यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर भुट्टा वो जो थोड़ा सॉफ्ट और मीठा टेस्ट वाला होता, उसकी चाट मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छी लगती, क्योंकि लास्ट में थोड़ा मीठा मीठा आता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। चाट जब थोड़ा खट्टा और तीखा आता है तो खाने में मज़ा आता है। जो थोड़े हार्ड वाले भुट्टे होते हैं उसकी चाट बहुत अच्छी बनती है, तो आप वही वाला भुट्टा लें, उसकी चाट अच्छी बनती है। बाकी अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो आप ले सकते हैं। टमाटर और प्याज को अच्छे से फाइन चॉप कर ले। फाइन चॉप करने में ना क्या होता है, अच्छा आता है मुँह में, टेस्ट जब जाता है तो बड़ा बड़ा ऐसा फील नहीं होता है कि मुँह में कुछ आ रहा है, फाइन रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बॉयल हो गया, इसको अब हम छान लेंगे, और इसको छानने के बाद ना थोड़ा ठंडे पानी से धुल लेंगे, जिससे थोड़ा हल्दी और नमक जो इसमें डाला था वो निकल जाए, और बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे जब हम इसमें और मसाले डालेंगे। तो मैंने अच्छे से धुल लिया पानी से, फिर उसके बाद मैंने इसको एक बोल में पलट लिया। पलटने के बाद इसमें अब हम मसाला मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला नमक। नमक आप थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि पहले हम नमक डाल चुके हैं, तो हम नमक कम ही रखेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। स्पाइसी भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी को कम तीखा खाना पसंद है, किसी को ज़्यादा, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डाला भुना हुआ। फिर मैंने इसमें लेमन ऐड किया। चाट में ना जब खटास आती है तो बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मैंने ना लेमन इसमें ज़्यादा ऐड किया। पहले मैंने थोड़ा सा डाला, फिर उससे मेरा दिल नहीं भरा तो मैंने इसमें थोड़ा और लेमन ऐड किया। फिर मैंने इसमें ना अमचूर पाउडर डाला, क्योंकि मेरे पास चाट मसाला नहीं था तो मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया। आप चाट मसाला डालें, या तो अगर आपके पास भी ना हो तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हो थोड़ा सा। फिर मैंने आपसे बोला था ना, फिर मैंने लेमन थोड़ा और ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने ये सारे कटे हुए वेजेस डाल दिए इसमें, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये हमारा कॉर्न चाट खाने के लिए तैयार है। सो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो या आप पहले भी वीडियो देख चुके हो, तो मेरे चैनल पे सिर्फ इसकी रेसिपी नहीं आती, मेरा क्राफ्ट का चैनल है, बट मैं ब्लॉग, क्राफ्ट और रिव्यूज़ भी डालती रहती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़।